मैं मुकेश गहलोत। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा टेडेक्स एनएसयूटी, आप सभी स्टूडेंट्स का, ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस प्लेटफार्म पे आने का। और मेरी जो जर्नी है बचपन से लेके मेरे स्पोर्ट्स करियर तक, उसमें जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, जो भी डिसीजंस किसी टाइम पे लिए गए, जहाँ से लाइफ टर्न हुई, उस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा मेरे बचपन से। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और यहीं आपके पास में ही है ककरोला गांव, तो ककरोला गांव से हूँ और किसान परिवार से हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं। बचपन से ही मैं, मेरे जो भाई हैं, बहनें हैं, पेरेंट्स हैं, उनको देख के, क्योंकि गांव में किसान के घर में पैदा हुआ, तो मेहनत करते हुए देखते हुए बड़ा हुआ उनसे। तो बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली थी, सभी बड़े प्यार से रहते थे और किसान के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। मेरे लिए भी कोई ऐसा नहीं था, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड होता है। आपको दूध दही घी मिलेगा घर में, खाने को अनाज है, साग सब्जियां हैं, लेकिन इनसे हटके कुछ और चीज़ें आप डिमांड करेंगे तो वो लग्जरी में आ जाता है। आप फ्रूट भी खाना चाहेंगे तो वो लग्जरी में है। तो सब कुछ अच्छा था, खेलते कूदते बचपन शुरू हुआ, स्कूलिंग भी शुरू हुई। और क्योंकि मैं शुरू से ही खेल कूद में मैं ज़्यादा अट्रैक्ट था उसकी तरफ। मेरा पहला इवेंट मैं अगर बात करूँ तो सेकंड क्लास में एक रस्सा दौड़ होती है, वो मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ सेकंड रहा। तो टेंथ के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया इंजीनियरिंग की, उसी के बेस पे डिप्लोमा करने के बाद मैं जो फाइनल सेमेस्टर में था तो अशोका लेलैंड में मेरा पहला इंटरव्यू था जॉब के लिए, तो उसमें सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन मद्रास में ट्रेनिंग पीरियड था 6 महीने का, तो वो मैंने छोड़ दिया कि मद्रास जाऊँगा इतनी दूर। तो मन में ये भी था इंजीनियर बन गया हूँ, वो जॉब तो मिल ही जाएगी। तो उसके बाद जब फील्ड में गए, जॉब सर्च करने लगा तो पता लगा, ऐसे तो डिप्लोमा होल्डर बहुत घूम रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। बड़ी मुश्किल से भी कुछ कंपनी में ट्राई किया तो एक जॉब मिली। और जॉब करते करते एमआई भी मैंने शुरू कर दिया, एमआई किया। फिर किसी ने सलाह दी कि अब जॉब लगी और क्या कराना है इनसे, अब शादी कर दो बच्चे की, तो मैरिज हो गई। 1 साल बाद बेटा भी दुनिया में आ गया। और मेरा जो अपने आप से स्ट्रगल था कि मैं जो करना चाहता था स्पोर्ट्स, वो मैं कहीं उससे अलग था, तो वो अंदर एक बड़ी फाइट चल रही थी। मैं जॉब में जा तो रहा हूँ लेकिन मन से नहीं कर रहा हूँ, वहाँ अपना 100% दे नहीं रहा हूँ। तो वो जो फाइट थी उसने एक दिन मेरे को अंदर से झकझोर दिया कि नहीं, मुझे ये जॉब नहीं करना है। तो घर पे बात हुई कि मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा, मुझे कुछ ना कोई स्पोर्ट्स करना है। अब ये तो घर वालों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि पढ़ लिख के अब तू अच्छे एक सीधी लाइन में जिंदगी चल रही है, कोई समस्या नहीं है, तेरी एज में स्पोर्ट्स करेगा तो कहाँ तक जाएगा, कहीं जा भी पाएगा नहीं जा पाएगा। मगर नहीं, मैं कर लूँगा, मेरी बिलीविंग थी कि मैं कर लूँगा। मेहनत में कोई शक था नहीं, क्योंकि बचपन से ही मेहनत करके ही बड़े हुए थे, खेतों में घर के काम काज में शुरू से ही हाथ बटाते थे। तो एट लास्ट डिसाइड हुआ कि ठीक है, अब तू करना चाहता तो करो, लेकिन ये डिसाइड नहीं था कि कौन सा स्पोर्ट्स करें। अब कह तो दिया स्पोर्ट्स में जाना, लेकिन कोई विजन क्लियर नहीं था, कोई गाइड करने वाला था नहीं। तो एक दिन उन दिनों में एक चैंपियनशिप थी दिल्ली स्टेट बॉडी बिल्डिंग, मैं वो देखने गया, तो मैं तो भीड़ का हिस्सा ही था। वहाँ पे एक बॉडी बिल्डर मिस्टर दिनेश सस्वाल जी, वो आज तक मेरे आइडियल बॉडी बिल्डर हैं, वो चैंपियन बने। उनको देखा भीड़ में, उनको इतना प्यार मिला और हर आदमी उनसे मिलना चाहता है, हाथ मिलाने वो की कोशिश करता है, साथ में फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। मतलब एक चैंपियन को जो मोमेंट्स जो मिलते जीतने पे, वो उस दिन रियलाइज हुआ। तो मन में आया कि ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे इस मोमेंट को जी सकता हूँ। तो पता किया वो कहाँ ट्रेनिंग करते हैं, उनके कोच कौन हैं और किस जिम में ट्रेनिंग करते हैं, तो पता करके मैं उनके जिम पे पहुँच गया। श्री भूपेंद्र धवन जी, जो बाद में द्रोणाचार्य वाड़ी भी हुए,
लेकिन मेरे लिए तो द्रोणाचार्य वो उसी दिन से बन गए जब मैंने उनको ज्वाइन कर लिया था। उनसे मैं मिला, बताया कि जी मैं अपना इस फील्ड में करियर स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने उसे छुपा लिया कि मैं मैरिड हूँ, मेरा बेटा 1 साल का है। मैं कहीं ये भी सोचे कि ये तो बड़ा लेट आया, अब क्या करेगा लिटरेचर में आके। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ ट्रेनिंग पे। कल से ट्रेनिंग शुरू हो गई। 1 साल कड़ी मेहनत के बाद एक कंपटीशन खेलने गया, पहला कंपटीशन 98 में। अब ये जरूरी नहीं कि पहली बार आप जाएं, हालांकि मैं सोच के गया था बड़ी मेहनत से काम किया है मेडल भी आएगा, लेकिन कोई मेडल नहीं आया। पर सीखने को बहुत मिला कि मेरी कमियां कहाँ हैं, मैं और किस अपने कमियों पर कैसे काम करूँ कि जो आज चैंपियन बने उनके बराबर मैं भी आ जाऊँ और उन कमियों पर काम करते हुए और अगले 1 साल फिर ट्रेनिंग की। गुरु जी ने भी हौसला बढ़ाया, श्री भूपेंद्र धवन जी मेरे बताया, मेरे गुरु हैं आज भी हैं। उनके बारे में मैं बात करूं तो अगर स्पोर्ट्स को देखें तो उनकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, किसको कैसे कब आगे बढ़ाना है, किसको प्यार से बोल के आगे बढ़ाना है, किसको डांट के, किसकी तारीफ करके, कभी कभी झूठी तारीफ करके भी स्पोर्ट्समैन को आगे बढ़ाना होता है। उनको पता है किसको कैसे टैकल करना है और उनका ट्रेनिंग का मेथड। मैं लकी रहा कि मुझे कोच के रूप में वो मिले। तो 1 साल बाद कंपटीशन खेलने गए फिर दिल्ली स्टेट दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेडल आया। उस मेडल के बेस पे इंटर यूनिवर्सिटी खेलने गया और पहली बार एक अच्छी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी आया। उसी मेडल के बेस पे लकीली जिस वेट में मेरा मेडल लगा उसी वेट में रेलवे वैकेंसी थी, तो वहाँ से मेरे को जॉब का ऑफर भी हुआ। तो रेलवे ज्वाइन कर लिया। आप देख रहे हैं ना, प्राइवेट जॉब से पीछा छुड़ाया तो अभी सरकारी नौकरी में अटक गए। तो जॉब शुरू होगी, जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग भी चलती रही और कड़ी मेहनत करी। रेलवे बड़े चैंपियंस के लिए जाना जाता है। अब सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक जॉब भी करना है, अपने गेम को भी टाइम देना है। इस दौरान बेटे की भी स्कूलिंग शुरू हो गई थी, वो भी देखना है, तो मैं उतना टाइम दे नहीं पा रहा था। 1999 से लेके 2000, 2001, 2003 ये जो 4-5 साल रहे इसमें मैं फोर्थ फिफ्थ इसी प्लेस पे आता रहा, मेडल से दूर रहा। तो बड़ी एक अंदर से हुई कि मैं इस लाइन में आता हुआ हूँ चैंपियन बन नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं पूरा टाइम दे पा रहा हूँ गेम को। मुझे लगा कि मैं अभी जॉब की वजह से शायद मैं अपने गेम पे फोकस नहीं कर पा रहा उतना जितना टाइम देना चाहिए, शायद मैं नहीं दे पा रहा। फिर मैंने एक बार फिर डिसीजन लिया कि नहीं, मैं पूरा अपना टाइम गेम को ही दूंगा, जिसके लिए मैं आया हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, जॉब लगी, गवर्नमेंट जॉब लगी। हालांकि पेरेंट्स का तो सपना ही था गाँव देहात में, तो उनके लिए सपना ही होता है कि हमारे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बस ज़िंदगी भर है। तो मैंने बात की घर पे के मुझे शायद जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब वो तो जो प्राइवेट जॉब को नहीं छोड़ने दे रहे थे, वो सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए कैसे आ करते। तो अच्छी खासी बहस हुई घर पे, नहीं तुझे गेम करना है तो कर, नहीं तो मत कर, लेकिन जॉब नहीं छोड़नी। तो मैंने अपने गुरु से बात की। अब वो तो स्पोर्ट्स को समझते हैं, एक एथलीट और कोच तो दोनों स्पोर्ट्स को टॉप पे रख के चलते हैं। वो बोला अगर तेरी बिलीविंग है तो ठीक है, तुझे लगता है तू पूरा टाइम दे के और ज़्यादा अच्छी मेहनत करके बड़ा चैंपियन बन सकता, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो उनसे बड़ा हौसला मिला मेरे को और जॉब से मैंने वहाँ से क्विट कर दिया। एक इस बीच में मैंने एक छोटा सा जिम अपना लगा लिया, छोटा सा ही 80-100 गज में होगा, ऐसे ही टूटा फूटा सा जिम। तो वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग भी करने शुरू किया बच्चों को, ताकि थोड़ा सा अर्निंग शुरू हो जाए गेम में, क्योंकि इस गेम में डाइट का भी खर्चा है, आपको डाइट देखनी पड़ेगी। आप कितना भी ट्रेनिंग करें लेकिन डाइट फीड नहीं करेंगे तो वैसे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो वहाँ पे अब ये ड्यूअल कैरेक्टर शुरू होगा, मैं अपने गुरु के पास जाता हूँ तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, वहाँ से एज ए स्टूडेंट आपको लर्न करना है। जब मैं अपने जिम में आता हूँ तो वहाँ पे मैं एक कोच हूँ, एक गुरु के तौर पे बच्चे मुझे देखते हैं। फिटनेस इंडस्ट्री में सीखने को बहुत कुछ मिला, इन दोनों उसी ही जगह पे खड़ा हो गए।
तो धीरे धीरे 2004 में मैंने रेलवे क्विट किया था, 2005 में मैं मिस्टर इंडिया खेलने गया तो फर्स्ट टाइम मेरा गोल्ड मेडल आया अपनी कैटेगरी में 7 साल बाद, ये हाँ 8 साल बाद। लेकिन वो गोल्ड मेडल की खुशी थोड़ी देर की थी, एक बार तो अच्छा लगा चैंपियन बन गया, लेकिन अगले ही पल जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट थे सभी कैटेगरी के उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया। अब उनके बीच में फाइट होना था, जितने फर्स्ट थे उनके बीच में। ओवरऑल मिस्टर इंडिया बना है, जिसके पीछे आज पूरी पब्लिक उसके पीछे है, सब उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं, उसको एक बार देखना चाहते हैं नज़दीक से। ये मोमेंट मैंने भी लेना है क्योंकि मुझे ओवरऑल टाइटल जीतना, मैंने कैटेगरी में तो बढ़ गए। उनका भी यही था कि बेटे अभी कुछ नहीं जीता तुमने, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है और कड़ी मेहनत कर, अभी अभी तो चैम्पियन नहीं है। 2006 में 2007 में भी मेडल आया लेकिन अभी वो टाइटल से दूर थे। 2008 में एक्चुअली मैंने 2007 ब्रेक कर लिया था, मैं पूरी और अच्छी तैयारी के साथ जाऊंगा, तो 2008 में मेरा फर्स्ट टाइम वो चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस का मेरा टाइटल लगा ओवरऑल मिस्टर इंडिया। और वो एक मोमेंट था जो शायद कोई भी चैम्पियन शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है, उसको फील ही किया जा सकता है। क्योंकि जब आप लोग भी किसी बहुत बड़ी उस पर जाएंगे, अपना पैशन को अचीव कर लेंगे, तो वो आप ही फील कर सकते हैं उस मोमेंट को। तो उसके बाद 2009 में 2010 में मेरा अपना गेम भी बढ़ता रहा, मैं अपने जिम पे भी टीम तैयार करता रहा, स्टेट लेवल के लिए नेशनल लेवल के लिए बच्चे तैयार होना शुरू हो गए थे। तो 2010 दोनों साल फिर से मिस्टर इंडिया में ओवरऑल बनाई लगातार 3 साल। और 2010 में एक ऐसा भी मोमेंट आया कि मेरा स्टूडेंट नाम लूँ तो वीरेंद्र मल्हान अभी भी मेरे साथ है पिछले 22 साल से, वो भी अपनी कैटेगरी में गोल्ड है, मेरा भी गोल्ड है। तो अब गुरु चले दोनों स्टेज पे हैं फाइट के लिए। और शॉर्ट लिस्ट होते होते लास्ट में 2 बॉडी बिल्डर स्टेज पे हैं जिनको एक को टाइटल मिलना है, एक मेरा स्टूडेंट है और एक मैं नेशनल चैंपियनशिप। तो बड़ा प्राउड का मोमेंट था मेरे लिए तो। और मेरा स्टूडेंट है जो वीरेंद्र, वो भी बड़ा प्राउड फील कर रहा था, आज तो मैं उस्ताद के साथ ही खड़ा हूँ, बहुत अच्छी बात है। हालांकि वो टाइटल मेरे को गया लेकिन मेरी नज़र में उस दिन वही चैंपियन था। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं एक एथलीट होते होते कोचिंग की लाइन में थोड़ा सा कुछ ना कुछ अच्छा करने लगा हूँ, तभी इस लेवल पर बच्चे आना शुरू हो गए। फिर 2011 ड्रॉप करके मैंने 12 में फिर मिस्टर इंडिया ओवरऑल टाइटल जीत लिया। 2012 में एशियन चैंपियनशिप हुआ, वहाँ भी सिल्वर मेडल आया। यहाँ से फिर एक बार लाइफ टर्न होती है। मैंने कभी उनको ना कहा ही नहीं था, उन्होंने जो बोल दिया, हालांकि मैं अंदर से एकदम से तैयार नहीं हो पाया पावर लिफ्टिंग करने के लिए क्योंकि मेरा पैशन बॉडी बिल्डिंग ही था, फिर पर उन्होंने बोल दिया तो मैंने यस सर ठीक है आप जैसे कहें। 2013 में हम गए इंटरनेशनल खेलने, मेडल भी लगा। हालांकि 2016 में मैं पावर लिफ्टिंग में भी यूरोप में चैम्पियनशिप थी, वहाँ पे अपनी कैटेगरी में मेरा मेडल आया गोल्ड और मैं बेस्ट लिफ्टर ऑफ द इवेंट भी रहा वहाँ पे। 2017 में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें मिली प्रो ओलंपिया पावर लिफ्टिंग, तो मैं फर्स्ट इंडियन था जो उस इवेंट के लिए सिलेक्ट हुआ। और एक तो खुशी ये थी कि पहली बारी कोई इंडिया का एथलीट उसमें जा रहा है, फिर मेडल के लिए भी अपना यही था कि बेस्ट करके आएंगे। गए खेलने, इवेंट शुरू हुआ तो बस ये था कि अपना बेस्ट करना है, अगर कोई हमसे आगे होगा या पीछे है वो नहीं देखना। कुछ एथलीट हो सकता हमारे से मेरे से अच्छे हों, कुछ मेरे से पीछे भी खड़े होंगे। वो एक दो एथलीट एलिमिनेट भी हुआ कंपटीशन से, जिनका तीनों लिफ्टें गिर गई फेल हो गई, वो कंपटीशन से एलिमिनेट भी हो गए। और मैं उस चैम्पियनशिप में जो खेलने के मकसद से गया था कि अपना बेस्ट करके आऊँगा, गोल्ड मेडल के साथ वापस आया, इंडिया के लिए मेडल आया। वहाँ से फिर ये मेरा पावर लिफ्टिंग का इसके साथ साथ मैंने बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग दोनों में ही बच्चों को ट्रेनिंग शुरू करना शुरू कर दिया था। अब मुझे लगा कि अपना गेम बहुत हो चुका है सोशल मीडिया पर, आजकल डिजिटल एज है तो
सोशल मीडिया के लिए भी मैं ट्राई करता हूँ, कुछ ना कुछ डेली उस पर डालता हूँ, ताकि जो बच्चे कोच को अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ से वो उनको हेल्प मिल जाए। वो कई लाख लोगों को मैसेज पहुँच जाता है। तो अभी एक बड़ी अच्छी बात ये है कि बड़ा गुड फील होता है जब आपके पुराने स्टूडेंट्स 20-25 साल से जो आपके साथ हैं वो आज भी आपको याद करते हैं, टीचर्स डे पे, गुरु पूर्णिमा पे आपको मैसेज करते हैं, अपने पेरेंट्स को मिलाते हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं हम ऑनेस्ट थे अपने काम में, तभी वो आज तक जुड़े हुए हैं। और एक मेरा जो मैसेज है आप लोगों के लिए, जो भी व्यूअर्स हैं सब के लिए, आप किसी भी फील्ड में काम करें, थोड़ा सा टाइम अपनी हेल्थ को ज़रूर दें, एक घंटा आधा घंटा साइकिलिंग करें, जॉगिंग करें, स्विमिंग, वॉकिंग, योगा करें या जिम में एक्सरसाइज करें। आप ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे, ज़्यादा स्पीड से अपने काम को कर पाएंगे और उससे ज़्यादा आप वर्कलोड ले सकेंगे। तो थोड़ा सा टाइम अपनी उसको देना है, हेल्थ को। और कंक्लूजन मेरा आज का ये है, जो टॉपिक भी है द रोड नॉट टेकन, कभी भी आपको सीधे चलते हुए अगर कोई टर्न नज़र आता है तो, और आपको लगता है इधर आपका पैशन ज़्यादा है, आप इसमें, हालांकि अभी पता नहीं कि आप कहां तक पहुंच पाएंगे, लाइफ बिल्कुल सीधी चल रही है, सही है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप जो करना चाहते थे वो अगर नहीं है और इस मोड़ पे आपको वो मिलने की उम्मीद है कि मैं यहां जाऊंगा तो मेरा पैशन उस पर उससे मैं कुछ कर पाऊंगा, तो ज़रूर डिसीजन लें उधर मुड़ने का। लेकिन आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नए सिरे से किसी चीज़ को शुरू करेंगे, लोग अपोज भी करते हैं आपको, आप वो फियर भी दिखाएंगे, आपके मन में भी फियर आएगा, लेकिन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग बिलीविंग है तो उस पर फोकस करें और उस मोड़ पे निकल जाएं, आप ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ बेहतर कर उस तक पहुँचेंगे, मंजिल तक। तो अंत में मैं अपने पेरेंट्स का, अपने गुरु का, जितने मेरे सीनियर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको थैंक्स भी करूँगा और उनका ऋणी हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, आप लोगों ने इनवाइट किया, मेरी जर्नी के बारे में बोलने का मौका दिया, तो आप सभी को एक बार फिर से थैंक्स।